अमीन हफीज आज जा रहे हैं लाहौर से रावलपिंडी तेजगाम ट्रेन में और वीवो V40 मेरा ट्रेवल पार्टनर है। आज आपको पता है कि जब भी अमीन रेलवे का सफ़र करते हैं तो रास्ते में ट्रेन की वीडियोस बनाते हैं। अब मैं ये सारी वीडियो वीवो V40 के ज़रिए बनाऊंगा और आपको दूंगा। इतना ज़बरदस्त किस्म की अमीन हफीज आज वीडियोस बनाएंगे और सारी वीडियोस आपके साथ करेंगे हम शेयर। तेजगाम ट्रेन जब कराची से लाहौर पहुंचती है तो लाहौर में कुछ डिब्बे अजाफी उस ट्रेन में शामिल होते हैं। ये कैसे आपस में जुड़ते हैं ये आप देखें। ये देखें जो ट्रेन कराची से आई और ये डिब्बे लाहौर से था, ये आपस में जुड़ गए। अब इनको जॉइंट कर दिया जाएगा और फिर ये लंबी ट्रेन लाहौर से अब जाएगी रावलपिंडी और फिर आगे। हाय 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 हाय। अब ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता लाहौर रेलवे स्टेशन से हदूद से निकल के अब मंजिल की तरफ रवा दवा है। मैं आके अपने कैबिन में बैठ गया हूँ और कैबिन में आहिस्ता आहिस्ता चलने की ट्रेन के बिरूनी नज़ारे इतने ज़बरदस्त हैं और मैं अपने सफ़र को कंफर्ट बनाने के लिए मैंने इस दफ़ा जो ड्रेस पहना है वो भी बड़ा आरामदेह है। और ये ड्रेस है वेरियम का, जबरदस्त किस्म का, लुत्फंदोज हो रहा हूं। ट्रेन को लाहौर से रवाना हुए एक घंटे से ज़ायद का वक्त हो गया है और हमारी ट्रेन गुजरांवाला भी क्रॉस कर चुकी है और ट्रेन रवा दवा है। दौरानी सफ़र मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। एक तो मैंने ड्रेस बड़ा कंफर्ट पहना हुआ है, दूसरा ट्रेन का सफ़र ही आरामदेह होता है। और आप देख सकते हैं कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मेरे मोबाइल फ़ोन जो वीवो V40 है उससे बन रही है। आपको पता है जब ट्रेन चलती है कितने झटके लगते हैं और कितनी मूवमेंट होती है, लेकिन मेरे मोबाइल वीवो V40 से आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं कैसी स्मूथ रिकॉर्डिंग है। यही खूबसूरती है, कितना मज़ा, कितने खूबसूरत नज़ारे भी हैं और सफ़र भी बहुत मज़ेदार है। और अगर ऐसे सफ़र में आपके जो ट्रेवल जो आपका साथी है वो वीवो V40 हो तो बात बन जाती है। लाहौर से रावलपिंडी जाते हुए तकरीबन अब आधे से ज़्यादा सफ़र गुजर चुका है और मेरा वीवो V40 जो है वो मेरा ट्रेवल पार्टनर इसलिए बन गया है कि मैं सुबह बैटरी फुल करके लाया था। इतनी ज़्यादा मैंने वीडियोस बनाई, स्टिल फोटोज़ मैंने बनाई और फ़ोन आते जाते भी रहे, मोबाइल डाटा भी चलता रहा, तो अभी भी 79% जो बैटरी है
वो मौजूद है, मतलब सिर्फ 21 पॉइंट उसकी बैटरी ख़त्म हुई है, और इसको अगर मैं चार्ज करने लगूंगा तो 10 मिनट के अंदर अंदर ये बैटरी 100% फुल हो जाएगी, और अगर जीरो से ये बैटरी फुल करें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 मिनट में बैटरी फुल हो जाती है। मतलब वीवो V40 सचमुच मेरा ट्रैवल पार्टनर है। लाहौर से शुरू होने वाला मेरा जो सफ़र है रावलपिंडी तक, वो अब तकरीबन अख्ताम पजीर होने वाला है। ये बैरूनी लाइटें मुझे बता रही हैं कि रावलपिंडी स्टेशन आने वाला है। पूरे सफ़र के दौरान मैंने अपने मोबाइल से मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स और स्टिल पिक्चर्स भी बनाता रहा। उम्मीद है आपको मेरे पार्टनर फ़ोन की कारकर्दगी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए अपने अमीन हफीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।